अस्सलामुअलैकुम ऑल, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमारी जो है मारिया भी साहिबा जो है उन्होंने दोबारा से अपना लॉन्च कर दिया है लॉन कलेक्शन 2021 का, जिसके अंदर 15 डिज़ाइंस हैं और हर डिज़ाइन के दो कलर्स हैं। यानी इस दफ़ा मारिया बी ने 30 डिज़ाइंस दिए हैं एक सेट के अंदर, जो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे होलसेलर्स हैं टेलर या रिटेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है उन्हें बेचना। वन है उसका, वन ए है पहले, फिर वन बी है जैसे कि आपके सामने आया है, ये वन बी है और वन बी के डिज़ाइन, वन बी का जो डिज़ाइन है वो ग्रे कलर में है। इसको एक कलर जो था वो आई थिंक वाइट कलर में है और दोनों ही ज़बरदस्त हैं। एक उन्होंने आयजा ली है, एक टर्की की कोई एक्ट्रेस है उनको लिया गया है। अब ये है हमारे पास 2A जिसमें ये रेड कलर है और बिलीव जाने मारिया बी का हमेशा होता यह है कि उसके कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हिट होते हैं। यानी अगर 8 डिज़ाइंस हैं तो उसमें से 4 डिज़ाइंस ऐसे होंगे जो आते ही बुकिंग में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ डिज़ाइंस ये वाले हैं ग्रीन और रेड, जो वाकई ही आते ही जितने होल सेलर्स हैं टेलर्स हैं उनके पास इसके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाते हैं। हर इंसान ये चाह रहा होता है कि हम ये परचेज़ करें और मारिया बी हमेशा अप पे करके बिकता है। यानी जो उसकी रिटेल प्राइस होती है उससे वो एटलीस्ट जो है वो 500 या कभी कभी 1000-2000 तक अप करके प्राइसेस बिकती हैं। ये हमारे पास 3 आ चुका है, मतलब 3 में ये हमारे पास 3A है आई थिंक या 3B है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी डिटेलिंग्स बहुत अच्छी हैं। हमेशा मारिया भी एक ही पैटर्न बनाती है और एक ही पैटर्न में सारे कपड़े निकाल देती है। यानी अगर वो कोई चिकनकारी का सा ड्रेस आपने देखा कि इसके ऊपर, देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कुछ एक ऐसा प्रिंट है, यानी प्रिंट आप कह सकते हैं, साथ ही आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया है वो कुछ सेम आपको लगेगा। बहुत ढेर सारे उसमें जो है डिज़ाइंस में वही आपको कपड़ा नज़र आएगा, क्योंकि मारिया भी हमेशा से अगर वो 10 डिज़ाइंस बनाती है तो 10 में से 8 डिज़ाइंस एक ही जैसे पैटर्न्स के लगते हैं। दूर से मारिया भी पहनावा जो होता है वो बंदा पता चल जाता है। इसकी रेप्लिका सबसे ज़्यादा बनती हैं और रातों रात बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसकी रेप्लिका आ जाती है इस। और लेकिन हाँ, रेप्लिका में और रियल में फ़र्क करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम हो जाता है। सबसे और एक हिट कोट ये वाला भी है, यानी इसका जो वाइट है ये बहुत ही ज़्यादा हिट है। ये भी ऐसे ही है कि बस आया है और गया है। वेबसाइट जिस वक्त इसके, मतलब 6 बजे कल इसकी जो है उन्होंने एकदम प्री बुकिंग स्टार्ट करी थी और आप यकीन जाने कि उसकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा हैवी थी कि आप उसे खोल नहीं पा रहे थे। ये वाला एक हेड कोट है, साथ में इसके जो ब्लैक है ये भी सेल आउट है। आप जिससे भी पूछें अगर वो आपको देगा भी तो वो अप करके बेचेगा। इनकी अपनी वेबसाइट्स पे तो अक्सर सूट्स जो है वो, एक तो वेबसाइट खुलेगी नहीं, अगर वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको ज़्यादातर सूट जो है मिलते हैं जो आपको ये लिखा हुआ था आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अगर आप लोगों को लेने हैं तो आप हरी अप जल्दी जल्दी कीजिए और आप जो है जल्दी से अपनी प्री बुकिंग स्टार्ट कीजिए। इनकी आउटलेट्स पर जाकर करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनके सूट्स बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और फिर आपको अप पे करके बिकते हैं। ये एक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका एक ये है और एक शॉकिंग पिंक कलर है। येलो कलर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रिफ्रेशिंग होता है, समर्स में बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस दफ़ा मारिया बी की लगी है, अगरचा तो उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हर कलर लिया गया है। आपको लाइट से लाइट कलर भी मिल सकता है और आपको डार्क कलर भी मिल सकते हैं। यानी जो लोग डार्क कलर्स पसंद करते हैं उनके लिए भी है और जो लोग लाइट कलर्स पसंद करते हैं उनके लिए भी है। अगर एक उसने डार्क में दिया है तो दूसरा शेड उसने लाइट में दिया है, इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को डार्क में नहीं पसंद तो वो लाइट में ले सकता है, अगर किसी को येलो नहीं पसंद तो वो शॉकिंग पिंक में ले सकता है, अगर किसी को वाइट नहीं पसंद तो ब्लैक में ले सकता है, अगर किसी को ब्लैक नहीं पसंद तो वाइट में ले सकता है। वैसे आप इसको भी देखिए, इसका भी पैटर्न एक ही तरह, मतलब ज़्यादातर आपको उसके पैटर्न्स जैसे लेसेस और जो भी उसके डिटेलिंग्स होंगी वो आपको कुछ एक जैसी लगेंगी। हमारे भी जो भी थ्रू आउट वो सेट बनाती है, वॉल्यूम बनाती है, हमें वॉल्यूम जो होती है आती है उसके अंदर आपको हर सूट में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी नज़र आती है। वैसे ही जो है ये वाले प्रिंट्स भी हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो नीचे जो लेस या पैचेस दिए हुए वो कितने सिमिलर हैं। ऐसे ही अभी कुछ सूट ऐसे आगे आएंगे कि जिनका जो अंदर का बेस जो होगी, स्टफ़ की जो बेस है वो आपको एक जैसी दिखेगी। जैसे उसमें सुराख का, आई डोंट नो, आई थिंक उसे चिकनकारी कहते हैं, वैसा ही आपको कुछ कपड़ा मिलेगा उसके अंदर,
ये आप देख सकते हैं, अब पहले उसने लाइट कलर दिया है, उसने यहाँ पे एकदम थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया है इसी में ही डिज़ाइन में। यानी हर डिज़ाइन का उसने यही किया है कि आप या तो जो है वो लाइट कलर पसंद कर लें, डार्क कर लें। तो मैं आपको बता दूँ, ये 11 मार्च को जो है वो हो रही है, लॉन्च हो रही है हमारी अभी, और कल जो थी इसकी, यानी कल 6 मार्च को इसकी शाम 6 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के लिहाज से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी। और प्री बुकिंग एटलीस्ट आप जानते ही हैं कि आप पहले से अपनी पसंद का सूट जो है वो करवा सकते हैं बुक, फिर आपको वो मिल जाता है। और अच्छा, इसने सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ नोटिस की है, उसने इस दफ़ा हेयर डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा रखी हैं। यानी आजकल आप सब लोगों को पता है कि बैंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आजकल जो है वो क्लिप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हेयर क्लिप्स, हेयर कफ्स बहुत ज़्यादा इन है, फैशन है। तो आप देखिए, इसने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि बहुत ऐसी जगह उसने कोई हेयर बैंड की डिटेलिंग की हुई है हेयर में किसी चीज़ की। तो आप अगर कुछ लोग हैं वो इससे वो भी ले सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को मतलब अपने हेयर में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको जो है मारिया बिलिया और भी बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके 15 डिज़ाइंस हैं, याद रखिए 15 डिज़ाइंस हैं, हर डिज़ाइन के 2 कलर्स हैं, 30 डिज़ाइंस हैं। मारिया भी हमेशा से आती और छा जाती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज में पिछले कुछ दिनों रह चुकी है मारिया भी, लेकिन यू नो उसके कपड़े, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मारिया भी को पहन करके, खुद अगर मैं अपनी बात करूँ, मारिया भी को पहन के सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक ज़माने में खाड़ी को पहन के मिला करती थी, लेकिन अब खाड़ी का कपड़ा मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि पहले था। तो अब मारिया भी को तो हमेशा से, क्योंकि ऐसा लगता है कि मारिया भी दूर से पता चल जाता है, और मारिया भी की रेप्लिका भी पता चलती है, और मारिया भी का रियल भी पता चलता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अब इसका ये वाइट आया है, इसमें साथ ही पिंक है, वो कुछ ग्रीनिश कलर है, साथ में पिंक कलर है, मतलब उसने हर कलर का ब्लेंड दिया हुआ है। आपको इसमें ज़्यादातर सारे के सारे कलर्स मिल सकते हैं। मारिया भी हमेशा लाइट कलर्स के साथ खेलती है, या शॉकिंग पिंक कलर्स, ब्लैक, लाइट पर्पल कलर, हमेशा मारिया भी अगर आप नोटिस करें तो हमेशा ये कलर्स ज़्यादा यूज़ करती है। तो आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे सूट जो हैं वो आप लोगों के सामने है। जो जो आप लोगों को पसंद आए, जाएँ जाके अपनी प्री बुकिंग करवाएं, होल सेलर्स से लें। अब आ गया बस 11 है, इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें 2 शेड्स कर दिए, ऊपर वाइट है, नीचे एकदम उसने ब्लू का कॉम्बिनेशन दे दिया है। फिर आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग्स में कपड़ा सेम एक जैसा लगता है। अगर इसने ये यहाँ पर, इसे मेरे ख्याल में कुरैशिया की बेल कहते हैं, आप ये देखें यहाँ पर, तो ज़्यादातर अब सूटों में आपको वही नज़र आएगी। डिटेलिंग्स हमेशा से हमारे भी की बहुत अच्छी होती हैं, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। मारिया भी हमेशा लाइट कलर्स के साथ ज़्यादा करती है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया, लाइट कलर्स मारिया भी बहुत ज़्यादा देती है। और उसके कलर्स जो हैं गिरिंदा चुनिंदा हैं जिसके साथ वो खेलती है, जैसे वाइट बहुत ज़्यादा लेती है, वाइट, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, शॉकिंग पिंक। मारिया भी एक उसका शॉकिंग पिंक, मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले जब मैंने एक सूट बनाया था तब भी वो शॉकिंग पिंक था, और आज भी मैंने देखा है कि वो कलर जो शॉकिंग पिंक है, उस कलर का सूट ज़रूर होता है इसके वॉल्यूम में या सेट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मारिया भी एक दूर से पता चलने वाली चीज़ है कि जी मारिया भी का सूट पहना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी कितना अच्छा उसने किया है कि अब इसमें 3 कलर्स से आ रहे हैं, और 3 कलर्स उस तरीके से ही हैं कि वो बहुत बुरे भी नहीं लग गए और अच्छे भी लग रहे हैं। तो आप अपने ड्रेसेस पसंद कीजिए जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग ये सारे ड्रेसेस देखिए। अच्छा, ये भी एक हिट कोट है, ये जो एक मस्टर्ड है और इसके साथ का ही दूसरा है वो भी बहुत ही ज़्यादा हिट है, यानी वो मरून सा रेड है वो भी बहुत ज़्यादा हिट है, क्योंकि ये भी आप लोगों को अगर मिलेगा तो अप पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कुछ ही इसके डिज़ाइन जैसे हैं और वो इतने ज़्यादा अप पे हैं और अच्छे भी बहुत ज़्यादा हैं कि लोग इनको मतलब 500 क्या 1,000-2,000 अप पे लेने को तैयार हैं, क्योंकि जो लोग हमारे अभी पहनते हैं वो पहनते हैं। तो ये जो सूट है 13B है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आज जो है वो 7 ही है, कल 11 को होने वाली है इसकी लॉन्च, उससे पहले पहले जा कर के आप प्री बुक करवा लीजिए, इनकी आउटलेट्स पे जाइए, इनकी वेबसाइट पे जाइए, जहाँ से आपको ये मिल रहा है आसानी से आप वो ले सकते हैं। रेप्लिका के उससे बिल्कुल मत आइएगा कि अगर आपको ओरिजिनल लेना है, क्योंकि रेप्लिका दूर से, जिसने भी पहनी हो हमेशा दूर से पता चल जाती है। और
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तब, और अपना ख्याल रखिए बहुत ढेर सारा।